संभल में जिला पंचायत पद के लिए वार्ड 11 से संभावित प्रत्याशी पुष्पा रानी का कहना है कि वे अपने क्षेत्र के लिए वे सारे विकास कार्य कराएंगी जो अधूरे छोटे हुए हैं। वहीं कार्य ही नहीं बल्कि एक जमीनी नेत्री साबित होंगी। उनका कहना है कि वे अपने क्षेत्र को जनता के लिए हर कार्य के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। क्या नाम है आपका? पुष्पा जी, जो आप 11 वार्ड से आप उम्मीदवार हो, आप क्या जनता जनता के लिए क्या वो करोगी? विकास कराने जनता के लिए। हाँ, काम में आदमी लोग, काम में आम लोग। हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। योजना बहुत आई है हमारे, हाँ, इस हमारे सरकार में, हमारी सरकार में। हमारे पति 33 साल से पार्टी में, हमारे पति 33 साल से पार्टी में लग रहे हैं। कार्यकर्ता के रूप में काम करा, कार्यकर्ता के रूप में काम करा। जो पंचायत पंचायत के जो दावेदार हो, आप क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ोगे? हम विकास का मुद्दा क्यों लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो समाजवादी का हुआ पहला के नाम है, उसने विकास न कराया। हम सब विकास कराएंगे, हर दुख सुख में काम मांगेंगे। हाँ, के नाम है जो हमारे पार्टी योजना चल रही है मोदी जी की, और क्या नाम है वो उज्ज्वला प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना, और क्या नाम है मुख्यमंत्री, क्या नाम है उसका, क्या कह रहे हैं उसका, गैस कनेक्शन। हाँ, सब हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। समाजवादी ने कुछ नहीं करा, गुंडा राज करा। किन मुद्दों को लेकर, जैसे क्या क्या जनता में किस क्या क्या मुद्दे लेकर जाओगे आप, क्या पार्टी क्या तैयारी है आपकी? हमारी पार्टी की है, हम तो विकास कराएंगे, लोग के काम कराएंगे, दुख सुख में काम आएंगे। हाँ, उज्ज्वला योजना, क्या नाम है वो योजना चल रही है हमारी पार्टी की, वो 5 लाख रुपए वो इलाज के लिए दिए जा रहे हैं। आयुष्मान योजना, हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, किसी ने नहीं करा आज तक।